नमस्कार, पत्रिका के लिए मैं शिवमणि त्यागी। आज हम पहुंचे हैं गांव नंदी फिरोजपुर। मौसम खराब है और ऐसे में हमें इस गांव में आखिर क्यों आना पड़ा, हम आपको बताते हैं कि इस गांव में एक चक्रोड़ को लेकर विवाद चल रहा है। विवाद है जो इस गांव के रहने वाले हैं पद्मश्री सेठपाल किसान हैं और दूसरी तरफ जो भारतीय मजदूर किसान संगठन के जिलाध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह और ग्रामीण हैं, ये मौजूद हैं यहाँ पर। और ये जो चक्रोड़ का विवाद है ये पिछले काफी दिनों से चल रहा है। इन लोगों ने यहाँ जल समाधि लेने की घोषणा की थी, इन सभी लोगों ने कहा था कि हम जल समाधि लेंगे, लेकिन इसी बीच जब इस बात का पता सहारनपुर प्रशासन को चला तो अधिकारियों ने इन लोगों से बात की और इन्हें आश्वासन दिया कि कांवड़ मेले तक आप रुक जाइए, कांवड़ मेले के बाद हम इस समस्या का समाधान कर लेंगे। तो सबसे पहले हम सुखबीर जी से बात करते हैं। सुखबीर जी, क्या प्रकरण है, क्या पूरा मामला है चक्रोड़ का जो मामला है, इसको हमें आप सरल शब्दों में समझाइए कि पूरा मसला क्या है। पहली बात तो त्यागी जी, आप आए, गांव की समस्या को लेगा आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रकरण यह है जी, आपकी यहाँ पे एक चक्रोड़ चली आ रही करीबन 100-200 साल पहले से। 200 साल पहले मतलब हमारी सही है, 200 सही बात है, सही है 200 साल पहले, आप सहमत हैं? हाँ जी, सही है जी बात जी। तो उस चक्रोड़ को लेकर पहले से ही इतना बरसात में पूरे गांव के खेत हैं इस चक्रोड़ पे, बरसात में रास्ता खराब हो जा, घास पे लेने का, बुग्गी जाने का, ट्रैक्टर जाने का रास्ता बंद हो जा। तो हमने ये पद्मश्री डॉक्टर सेठपाल के प्रयास से माननीय विधायक जी से कह के ये खड़ुंजा मंजूर करा था जिला पंचायत से, मतलब जो दूसरा पक्ष है उनके सहयोग से, वो भी उनका भी सहयोग था। जिला पंचायत सदस्य के पास मैं डॉक्टर सेठपाल ही गए थे और डॉक्टर सेठपाल ने ही ये चक्रोड़ नपवाई थी। मैं जो जेई आता जिला पंचायत का, जिला पंचायत सदस्य आता, ये चक्रोड़ जो है उसी ने नापतोल कराई थी। जब ये बात ठीक है, सही बात है, आप सही है। फिर पता नहीं क्या बात हुई, खड़ुंजा मंजूर हो गया, माननीय विधायक जी ने सिफारिश करी भाई रास्ता खराब हो और जिला पंचायत अध्यक्ष ने ये खड़ुंजा मंजूर कर दिया। जब यहाँ पे ठेकेदार माटी गिरने के लिए आया, माटी गिरती चली आ रही, जब इस चक्रोड़ के पास यहाँ आया डॉक्टर सेठपाला, खेतों पर भी लग रहा है इसमें, जब यहाँ आया कहने लगा खेत तो मेरा है। गाँव को तो पूछा भाई क्या मामला कैसे है, तो गाँव को उन्होंने हमारे से बताया कि इसकी खेत में बराबर में एक खेत है उसका जो है अंकित का खेत पड़ा है इसकी बराबर में, इनकी बिल्कुल जस्ट बराबर में एक चक्रोड़ जो है मुस्तकम की 8 फुट की एक चक्रोड़ है जो पहले से मतलब बंद पड़ी थी वह, और इसके अंकित के बाबा ने वो चक्रोड़ छोटी थी बहुत, उसमें मोड़ तोड़ थे, वो एक ये छोटी सी बटिया थी उसने सभी लोगों की सहूलियत की वजह से उधर छोड़ गए। ये कह दिया था कि भाई आप इस धोरे में भी चल लो, उसका खेत वहां तक था कि इस धोरे पर भी चक्रोड़ को लेकर चल लो आप। 100-200 से पहली बात बता रहे जी। उसके बीच में टीम आई, टीम में हमने नरेगा से जी मिट्टी करवाई, हम प्रधान थे पहले योजना में भाई छोटा चंद सिंह, तो नरेगा से मिट्टी डलवाई इसी पे हमने दो बार, सेठपाल के कहने पे उसके प्रस्ताव पर ही गिरवाई। इसने अंकित ने 4-5 फुट फिर दे दिया था, और रास्ता नेड़ा था ना, अंकित ने फिर दे दिया था कि तुम मेरे खेत को इसे चौड़ा कर लो। पहले जवाब बन दिया होगा उस बात का तो शायद सभी ना पता, तो बाद में जो विवाद हुआ आज पता लगा। आप क्या चाहते हैं, जो मेन सीधा रास्ता आप बता रहे हैं, आप चाहते हैं कि उस पे खड़ंजा लगे, उसी पे प्रस्तावित है, जिला पंचायत ने भी उसी पे प्रस्तावित किया, हमने जिला पंचायत से बात करी, उन्होंने भी यही कहा कि भाई जहां प्रस्तावित खड़ंजा है हम खड़ंजा वहीं पे डालेंगे, हम दूसरी जगह खड़ंजा नहीं डाल सकते। ये दूसरी जगह डालने के लिए कौन कह रहा है? ये पद्मश्री जी कह रहे हैं। और इस चक्रोड़ का क्या होगा जो मेन बड़ी है? इस चक्रोड़ में भी ये बताऊं जी आपको पत्रकार जी महोदय जी, इस चक्रोड़ में 57 नंबर और 55 नंबर चक्रोड़ का नंबर है। कितने नंबरों से मिलकर बनी है ये रोड? ये 58 नंबर 55 नंबर और जी 57 नंबर से मिलकर चक्रोड़ बनी, कुछ 3 नंबरों से मिलकर ये एक चक्रोड़, मुरत घाट का भी जगह है थोड़ी सी, मतलब 3 नंबर और एक मृत घाट का थोड़ा सा हिस्सा, इन तीनों के और मृत घाट के हिस्से के मिलने से चक्रोड़ बनी। और जो आपके अनुसार डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वो मेरा खेत है, वो क्या नंबर है? वो 59 नंबर है, 60 नंबर है, वो बिल्कुल अलग है, है तो लगते बिल्कुल अलग है। नहीं, इनमें से भी आप एक बता रहे थे कि वो कह रहे हैं कि ये मेरा नंबर है, ये 58 नंबर ये अंकित भाई का खेत है, उनका खेत नहीं है। अंकित को कोई एतराज है? अंकित तो एफिडेविट भी देने को तैयार है, जो राजस्व विभाग की टीम आई थी उनके सामने भी कह दिया, पहले भी 2018 में 4 फुट जगह दे दी थी। ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर साहब ये चाह रहे हो कि जो 200 साल पहले चक्रोड़ थी वो भी रहे और जो नई चक्रोड़ बनाई गई जिसपे आप 200 साल से चलते आ रहे हैं वो भी रहे, दोनों रहे, ऐसा तो नहीं? ऐसा है, हमें इस बात पर भी गांव वालों ने पंचायत करके इस बात पर भी उनसे सहमति करने की कोशिश करी। एक वीडियो हमारे सामने आया, उसमें आरोप लगाया उन्होंने कि आप हत्या के आरोपी हैं। साहब उस टाइम ही मौजूदा प्रधान थे जिस टाइम ही हत्याओं का दौर चला, मुए जो बदमाश फरार हुए थे यहाँ से वो हमारे गाँव में कुछ आपस में इस तरीके की इत्तफाकी रह गई, जिधर से भी उधर से मर गया तो हमारा नाम आ गया, हमारा मर गया हमने उनका नाम ले दिया।
इस तरह का मामला पार्टीबाजी में आपके अनुसार पार्टीबाजी में मामला चल हुआ। जब इनकी हकीकत का पता लगा हमारे गांव में घुस एक गन्ने खेत में जो ये 12 के पंपिंग सेट रखे थे वो उन्होंने बदमाशों ने धमोलने में डाल दिए। जब थाने में रिपोर्ट करने गए इंस्पेक्टर साहब ने को हमने तहरील दी उन बदमाशों की जो फरार थे साहब वो हरकत कर गए। इंस्पेक्टर साहब ने हमें वहां से कह दिया था कि भाई ये हरकत जो गांव का मौजूदा प्रधान है उन्होंने कराई। सजा भी हुई मुकदमे में ऐसा नहीं हमें कोई सजा नहीं हुई। जिनका पहल सिंह का सुनो जी जिनका मर्डर हमारे नाम लगा था उनका बड़ा लड़का यह है पहल सिंह का। फैसला भी इसी बेस पर था। रात के 12 बजे मर्डर हुआ था चाचा पहल सिंह का। उसमें जब पुलिस आए हम घर ही सोते पकड़े थे। इनके भी दिमाग में थी कोई मारने वाला घर नहीं सोता तो इस हिसाब से फिर बाद में गुना पता सता करोगे। जब इनकी पूरी हकीकत का पता लग गया कि भाई ये है मतलब आप ये कहना चाहते हैं वो गलत आरोप लगे थे उसे। वो गलत आरोप लगे थे तो सीधे सीधे जितना हमें समझ में आता है एक चक्रोड़ को लेकर मामला है और दो चक्रोड़ हैं। किसानों का और गांव वालों का कहना है कि एक चक्रोड़ ऐसी है जिसमें केवल पैदल चला जा सकता है और दूसरी चक्रोड़ बड़ी है जिस पर उनके किसानों की भैंसी बुग्गियां और अन्य जो ट्रैक्टर टोलियां हैं वो जा सकती हैं। जैसा कि इन लोगों ने बताया कि जो पद्मश्री डॉक्टर सेठपाल हैं वो कहते हैं कि जो पैदल चलने की चक्रोड़ है उस पर खड़ंजा लगाया जाए और जो बड़ी चक्रोड़ है जो चौड़ी सड़क है जहां से ट्रैक्टर टोलियां जा सकती हैं उस पर खड़ंजा ना लगाया जाए। अब हम इस बारे में डॉक्टर सेठपाल जी से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। तो डॉक्टर सेठपाल का एक इंटरव्यू है जिसमें वो कह रहे हैं कि जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। तो गांव वालों ने पूछा है कि ये जो उन्होंने उदाहरण दिया है कि किस रूप में दिया और किसको वो कुत्ता कहना चाहते हैं। हमारे साथ पद्मश्री डॉक्टर सेठपाल जी हैं। आपने एक पक्ष को सुना अब हम उनके पास पहुंचे हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। पद्मश्री जी बताइए जो हमने जो सुखबीर सिंह हैं और जो उनके दूसरे साथी हैं लोग हैं वो कह रहे हैं कि आप ही प्रस्ताव कराने गए थे आपके ही प्रयासों से जो रास्ता चला आ रहा है पहले से चक्रोड़ उस पर खड़ंजा लगाने की अनुमति मिली। अब अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आपको इस पर खड़ंजा लगवाना नहीं चाहते। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जहां तक चक्रोड़ पर खड़ंजा लगवाने की बात है देखो जितनी बार भी इससे पहले ये मामला लगभग 10 साल से चलाधीन है। कई बार इसमें हमारी राजस्व टीम आई है और मौके पे उसका निशानदेही करके गई है। तो ये जो वर्तमान चक्रोड़ चल रही है हमारे खेत में चल रही है उन पे पर ये चक्रोड़ नहीं है। और जो चक्रोड़ है उसमें चूंकि चक्रोड़ ये एतमाल नंदी मुस्तकम में चक्रोड़ है वहाँ पे और उसपे जब भी वो आए हैं ये बात सही है वो खड़ंजा के लिए हमारी भी सहमति है लगना चाहिए पूरे गाँव की जरूरत है उसको हम चाहते हैं लगे चूंकि रास्ता बंद हो जाता है। लेकिन जितनी बार भी वो आए हैं हमने ब्लॉक से भी दिया था ब्लॉक से भी आए हमने कहा भाई चक्रोड़ वहां पे है उसके वहां से ही पैमाइश कराई जाए। ये जो कहते हैं जी कि हमने यहाँ पे पैमाइश कराई हमारे सामने उसकी पैमाइश नहीं हुई जितनी बार भी पैमाइश हुई हमने कहा है वो हमने जो हमारे शमशान घाट है उससे पश्चिम की तरफ जो है जो मुस्तकम में चक्रोड़ वहीं को आज भी हम कहते हैं भाई उसको रास्ता तो चल रहा है कोई बात नहीं। लेकिन वो लोग उस पर एक ही बात पे जिद पे जबरदस्ती करने पे उतारू है कि नहीं जी चक्रोड़ तो यहाँ को ही लगेगी। डॉक्टर साहब आपने कहा कि जो चक्रोड़ है जो वर्तमान में चल रही है पिछले वर्षों से चली आ रही है उस वो आपके खेतों में है उसका कुछ हिस्सा आपके खेतों में है या पूरी चक्रोड़ आपके खेतों में है। देखो ये तो जो राजस्व विभाग की टीम है हम लोगों ने जो अपने SDM साहब के यहाँ DM साहब के यहाँ एप्लीकेशन दी है वो लोग हमारे ऊपर एलिगेशन लगाते हैं साहब पद्मश्री के दबाव में प्रशासन काम करता है हमारा खेत का आकृति बड़ी है हमारे खेत का रकबा बड़ा है हम लोगों ने अपने एप्लीकेशन में लिख करके दिया हुआ है अगर हमारे खेत में बढ़ा हुआ है जहां तो हमारे खेत के बीचों बीच यदि चक्रोड़ निकलती है तो वहां को निकाल दीजिएगा उसमें हमें कोई आरोप नहीं है कोई दिक्कत नहीं कोई विरोध नहीं है। तो सब मेरे सवाल का जवाब नहीं आया मैं पूछ रहा था कि आपने कहा कि जो चक्रोड़ जिसपे अभी वर्तमान में चल रही है जो वो आपके खेत में है तो वो जितनी भी लंबी चक्रोड़ है वो पूरी आपके खेत में है या उसका कुछ हिस्सा आपके खेत में नहीं उसमें देखो ये तो मैंने बताया तो जो राजस्व विभाग की टीम है हम तो ये कहते हैं उसमें थोड़ी सी एक नाली है 100 मीटर की दो है 58 नंबर और 59 नंबर नाली के हैं 100 मीटर के और थोड़ी सी उसमें एक चक्रोड़ भी है और हमने तो रिवेन्यू विभाग से बल्कि उन लोगों ने ही ये एप्लीकेशन लगाई है कि उस चीज को वो मुस्तैद कर दें उसमें निशानदेही कर दें और उसके लिए जो हमारी रिवेन्यू टीम आई थी 23 तारीख में उन्होंने जब इनके आरोप थे ना खेत ज्यादा है वो तमाम चीजों को उन्होंने सबसे पहले हमारा खेत की पैमाइश की है उसके बाद अंकित के खेत की पैमाइश की है और उसके बाद उन्होंने बाद में ये कहा है कि कुछ चूंकि शाम हो गई थी लेट आई थी उस दिन
टीम जो बाकी लोग हैं आसपास के खेत वाले हैं उनकी भी पूरा पैमाइस करने के बाद जहां पे वो नियत उसकी होगी वहां पे उसको लगाएंगे। डॉक्टर साहब, काफी दिन से विवाद चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, क्या कोई आपको लगता है अभी भी कोई रास्ता है समाधान का या नहीं लगता? देखिएगा, बात किसी भी उसका समाधान तो ऐसा तो नहीं है, समाधान नहीं हो सकता, लेकिन जोर से, जबरदस्ती से, धरने से, प्रदर्शन से, आरोप से, प्रत्यारोप से, तो देखो ऐसे नहीं काम हो सकता। ये तो हम लोगों ने, हम तो शांति प्रिय लोग हैं, झगड़ा लोग नहीं है, वो लोग हमें गाली भी देते हैं, आप सब भी कहते हैं, तमाम तरह के आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं, हम लोग ऐसा काम नहीं करते। हम तो साहब, एक सीधा सा लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा सवाल ये है कि अगर कोई सहमति बन जाती है तो क्या जो ये पुरानी चक्रोड चली आ रही है वर्षों से, आप सहमति बनाएंगे, इस पर खड़ंजा लगना चाहिए या फाइनली आप नहीं चाहते कि इस पर खड़ंजा नहीं लगना चाहिए? देखिए, जो वर्षों से चक्रोड चल रही है, जब वहाँ ओन पेपर चक्रोड नहीं है, ओन पेपर चक्रोड दूसरी जगह है, पहले हम लोग उसके लिए एग्री थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कभी भी उसके लिए प्रयास नहीं किया, और अब तो हम ये चाहते हैं भाई जहाँ ओन पेपर चक्रोड है वहीं पर खड़ंजा लगना चाहिए। जो जो वर्तमान चक्रोड है जिस पर सभी चल रहे हैं, इसको आप कच्ची रखना चाहते हैं या इसको खत्म करना चाहते हैं, और जो कागजों में जो जायज चक्रोड है उसी पर आप चाहते हैं कि वही चक्रोड बने और ये खत्म हो जाए, ऐसा है? देखिए, हमने कभी भी उसको खत्म करने की बात नहीं कही, खेत में मिलाने की बात नहीं कही, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो चक्रोड है वर्तमान में, कागजों में चक्रोड, पक्की चक्रोड वो हो जाए, उसके बाद जो उसका वो हो उसके बारे में फिर बैठ करके बात की, उसके बाद में इसके बारे में चर्चा की जाए। साहब, एक दूसरे, एक आपका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप एक इंटरव्यू दे रहे हैं और उसमें आपने कहा है कि जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, इस बात को लेकर जो काफी लोग, हम ग्रामीणों से बात की तो ग्रामीणों का प्रश्न ये है कि आपने ये किस संदर्भ में कहा, आपने खुद को हाथी माना है तो कुत्ते किसको माना है, ये वो थोड़ा सा पूछना चाहते हैं कि किस संदर्भ में आपने बात कही। देखिए, ये किसी को टारगेट करके बात नहीं कही गई, ये तो एक, जब मेरे से पत्रकार ने पूछा था भाई इसके बारे में ऐसे ऐसे क्या, तो हमने कहा था भाई जब हाथी चलता है तो सो कुत्ते भौंकते हैं, तो ये किसी को टारगेट कर नहीं कही गई, ये तो एक कहावत है, मुहावरा है, उसी के अकॉर्डिंग कही, कि कोई अपने आप को टारगेट करके माने या मैं हाथी मानूं या मैं अपने आप को दूसरा मानूं, ऐसा कुछ नहीं, किसी को टारगेट करके नहीं कहा। तो हमने डॉक्टर साहब से बात की पद्मश्री, और जो बातों का सार है वो कहीं ना कहीं ये निकलता है कि विवाद है लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी रास्ते बंद हो गए हैं, और इस विवाद का कहीं ना कहीं अंत हो सकता है, सुलहनामा हो सकता है अगर प्रयास किए जाएं, दोनों पक्ष अगर बैठ के इस बारे में बात की जाए तो कहीं ना कहीं इसके रास्ते निकल आएंगे।